तो हेलो वीडियो फैमिली, कैसे सभी लोग? आज इस वीडियो अंदर हम खेलने जा रहे हैं हार्डकोर। हार्डकोर जिस दूसरे को नहीं पता होगा तो इसमें उनको बताना चाहूँगा कि हार्डकोर एक ऐसा वर्ल्ड है जिसके अंदर अगर हम एक बार मर गए तो हम वापस वर्ल्ड के अंदर रिस्टोर नहीं हो सकते हैं। हम मतलब एक ही हमारे घर से मतलब हमारे इस मतलब एक हमारे पास एक ही लाइफ है। लाइफ गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलो गाइस, फटाफट से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और आप मेरी वीडियो को भूले बिना लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी गाइस, हम आ चुके हैं अपने पैर से वर्ल्ड में। तो थोड़ा सा फुट तोड़ लेते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे ये जंगल के बाहर, जिससे हमें पता चलेगा कि बाहर का एरिया कैसा है। जलवा है हमारा। तो गाइस, मैं बाहर आ ही रहा था गाइस, मुझे यहाँ पे विलेज मिल गया। गाइस अगर आप लोग को लग रहा हो कि मैं क्रिएटिव से यहाँ पहुंचा हूँ तो आप चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। आपको मैं ये सीट दे दूंगा और आप चेक कर लीजिएगा। असल में तो क्या नाचोगे? चंक कम कर लेता हूँ। तो ऑल राइट गाइस, चंक तो कम हो चुकी है। गाइस मेरे को ज़्यादा लैग कर रहा था, है ना? तो इस लैग कम करने के लिए हमें चंक कम करने पड़े। यार ब्लैक स्मिथ का घर है गाइस, मेरे ख्याल से मुझे कुछ लूट मिल सकती है। ओ भाई पैसा ही पैसा होगा। नहीं मैं नहीं मानता। अरे नाना जी टांग कंट्रोल। हाँ भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। सो ऑलराइट गाइस, हमें बहुत सारे डायमंड मिल चुके हैं यार, जैसे आप सब देख सकते हो मेरे पास 6 डायमंड हो चुके हैं। गाइस आज का हमारा गोल यही था कि हमें एक विलेज फाइंड आउट करना था और खुद का डायमंड का आर्मर एंड टूल्स बनाने थे, क्योंकि गाइस ये हार्डकोर है। हार्डकोर के अंदर हम एक बार ही मरे तो आपको पता ही, फिर हम वापस रिस्पॉन तो नहीं हो सकते, है ना? तो गाइस मैंने अपना मेन का टास्क तो कर लिया है, अब हम करेंगे माइनिंग। माइनिंग से गाइस हमें मिलेगा बहुत सारा डायमंड। डायमंड से हम अपने आर्मर एंड टूल्स बना सकते हैं। असल में विलेज को लूट लेता हूँ। यहाँ पे गाइस मेरे को 3 ब्रेड मिली, मतलब टोटल 10 ब्रेड हो चुकी है गाइस, 10 ब्रेड। तो ऑल राइट गाइस, अब मुझे यहाँ पे एक रून पोर्टल पहले से ही दिख चुका था, तो मैं सीधे जाके रून पोर्टल को लूटने वाला हूँ। फटाफट चलते हैं हम रून पोर्टल के पास, जैसे कि रून पोर्टल पहाड़ी के ऊपर है और मैं पहाड़ी के नीचे। फटाफट चलते हैं रून पोर्टल के पास। गाइस रून पोर्टल में मुझे शायद से गोल्डन जेड एप्पल मिल सकता है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे गोल्डन कैरेट्स और गोल्डन का आर्मर था जो कि मेरे ठीक ठाक प्रोटेक्शन तो कर ही सकता है। यहाँ पे गोल्डन की हो भी थी। तो ऑलराइट गाइस, ये तो सामान हमें मिल चुका है। अभी हम जाएंगे यहाँ से नीचे। नीचे जाते जाते उसमें मैं अपने आपको प्रो स्किल्स दिखा देता हूँ। गाइस मेरे स्किल्स में पार्कोर का एक बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, स्मार्टी पर भी मुझसे सीख के गया था, कूद के दिखाने वाला हूँ अपनी प्रो टिप। तो गाइस ऐसे कुछ कूदना पड़ता है प्रो को। नहीं जा पूछ क्या। तो और गाइस मजाक तो हो चुका है, हम फटाफट से जाएंगे अपने माइनिंग के स्टार्टिंग करने के लिए। तो गाइस माइनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हम डायमंड अगर ऐसे ढूंढने जाएंगे तो हमें बहुत मुश्किल है। और हम कोई केव करने जाने वाले नहीं, हम खुद के एक माइन बनाने वाले हैं, क्योंकि हम केव में जाएंगे और गलती से मर गए तो हमारा वर्ल्ड डिलीट हो जाएगा। तो ऑलराइट गाइस, हम जाएंगे सीधा माइन के अंदर। माइनक्राफ्ट जाने से पहले हम सबसे पहले अपना टूल्स बना लेते हैं गाइस। हाँ जैसे कि डायमंड है तो मैं डायमंड के ही टूल्स बना ले रहा हूँ, डायमंड की सॉल्ट और डायमंड की पिकैक्स, क्योंकि गाइस समय दो मेन चीज़ है। जो सॉल्ट मेरी प्रोटेक्शन के लिए रहेगी और डायमंड की पिकैक्स भाई मेरे खोदने वाले काम में आ जाएगी, मतलब कि माइनिंग की गाइस आपको थोड़ा सा। तो ऑलराइट गाइस, वो तो हटा हुआ पड़ा सा, हम पिकैक्स और अपनी सॉल्ट को रेडी कर लेते हैं। गाइस हमने पिकैक्स और सॉर्ट तो अपनी बना के ख़त्म कर दी है। तो ऑलराइट गाइस, हम बाकी अपने टूल्स बना लेते हैं। वुडन की कमाई स्टोन तो अभी तक है नहीं गाइस, हमें स्टोन के पहले हमारे डायमंड कारर बन गया यार, तो वुडन की भी पहले सोचने वाली बात। तो जलवा है हमारा। ऑलराइट गाइस, हम फटाफट से अपने टूल्स को हमें रेडी कर लिए हैं। अब हम जाएंगे सबसे पहले अपनी माइनिंग को बनाने। ऑलराइट गाइस, मेरे को कुछ सामान कम पड़ गए थे, जैसे कि टॉर्च नहीं थी मेरे पास, तो मेरे को चारकोल बनाने के लिए सबसे पहले वुडन लॉक को कट करना पड़ा, वो सब करना पड़ा। तो इसलिए गाइस मैंने आपको वो सब दिखाया नहीं, कि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग था यार, आपने तो बाकी यूट्यूबर्स के इसमें देखा ही होगा। तो ऑलराइट गाइस, हमने फटाफट से अपनी बाकी सब चीज़ें रेडी कर दी है, अब हम बनाएंगे अपनी माइनिंग। तो ऑलराइट गाइस, हम माइन करना चालू करते हैं। गाइस माइनिंग तो हम स्टार्ट करेंगे। गाइस हम सीधे यहाँ से जाएंगे डायमंड लेवल पे। डायमंड लेवल रहता है 59। तो ऑलरेडी हम 59 लेवल फटाफट से पहुँचते हैं और आपसे मिलते हैं डायरेक्ट 59 लेवल पे।
ऑल राइट गाइस, गाइस मैं आपसे बात करने वाला था, मैं पानी के अंदर गिर गया यार। जा पूछ क्या, मतलब गाइस यहाँ से निकलना भी एक अलग ही जंजाल है यार, तो चल फटाफट से निकलते हैं। तो ऑल राइट गाइस, मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, ये मुझे यार कम से कम 15 से 20 मिनट लग गए यहाँ से निकलने में। तो ऑल माइनक्राफ्ट शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो लगता है बहुत बड़ा पानी का पूल ही है यार। चलो माइनक्राफ्ट स्टार्ट करते हैं। सो ऑल राइट गाइस, जैसे सब लोग देख सकते हो कि मैं अपने 15 लेवल पे पहुंच चुका हूँ। 15 लेवल पहुँचने वाले आपको इसका मतलब पता हुआ गाइस, किस मतलब हमको ये लेवल पे अब डायमंड मिलने वाले हैं। गाइस ये ग्रेवल भी आ गए, तो ग्रेवल भी बहुत बड़ी दिक्कत है, पर ठीक है गाइस, हम 59वें में पहुँच चुके हैं। इसके बीच में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, मैंने आपको दिखा दिया था। तो ऑल राइट गाइस, अभी चलते हैं हम फटाफट से माइनिंग कंटिन्यू रखते हैं। तो ऑल राइट गाइस, मुझे जहाँ जहाँ डायमंड मिलेंगे मैं वहाँ वहाँ आपको डायमंड की सीन दिखाऊंगा, कि बाकी सब ठीक है, मैं बोर नहीं करना चाहता था। तो ऑल राइट गाइस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लैग हो गया था, इसलिए मैं वॉइस थोड़ी सी आपको आगे पीछे दिख रही होगी। तो मुझे यहाँ पे कुछ 4 डायमंड्स मिले थे। तो ऑल राइट गाइस, मैं कुछ 4 डायमंड्स यहाँ पे मिले थे, 4 में से मतलब बस एक पहले से ही था, तो 5 डायमंड हो चुके हैं। तो ऑल राइट गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैं आपको सिर्फ सिर्फ डायमंड के सीन इसलिए दिखा रहा हूँ कि जैसे आप बाकी सब सारे सीन देख के बोर ना हो, कि आप बाकी सीन्स देखोगे फिर आपको बोर होगा, तो आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जैसे कैसे करोगे। तो ऑल राइट गाइस, मैं आपको सिर्फ मेन मेन पार्ट दिखाऊंगा जिससे आप बोर ना हो। तो ऑल राइट गाइस, अभी हम यहाँ से थोड़े और डायमंड ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ पे और डायमंड्स को दिखे नहीं। तो कैसे कुछ रेस्टोरेंट माइन कर लेते हैं, हमारे आगे चले कोई काम आएगी, कोई बिल्ड में किसी को कैसी अरे अपने वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़े बड़े बिल्ड बनाने वाले हैं, जैसे कि आयरन फार्म, वुड फार्म, बहुत सारे कुछ बनाने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, वरना आप भूल जाएंगे। तो ऑल राइट गाइस, यहाँ पे मैं कुछ और रेस्टोरेंट कलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम अपनी माइनिंग को वापस से कंटिन्यू रखेंगे, ये हम एरिया बंद कर देते हैं कि हमारा कोई काम का नहीं, हमको ये ऑल कन्फ्यूज़ करेगा। तो चलो गाइस, अब वापस से हम माइनिंग को अपने कंटिन्यू रखते हैं, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट डायमंड की तरफ। तो ऑल राइट गाइस, माइनिंग कर देता हूँ थोड़ी देर। ऑल राइट गाइस, जैसे मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की, तो जैसे मुझे डायमंड मिल चुका है गाइस, मतलब मेरा आप लोग तो सेव हो यार, मतलब मैं डायमंड आपके बोलते ही मिल गया। तो ऑल राइट गाइस, यहाँ पे मेरे ख्याल से तो एक ही डायमंड दिख रहा है मुझे, शायद से यहाँ पे और डायमंड हो सकते हैं गाइस। यहाँ पे मेरे ख्याल से एक ही डायमंड है, नहीं गाइस यहाँ पे दो से तीन डायमंड है गाइस। ऑल राइट गाइस, हम डायमंड फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे डायमंड को ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे टॉर्च ला के मैंने उजाला कर दिया है जिससे आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे गाइस एक ये 2 डायमंड, यहाँ पे 3 डायमंड और गाइस है मेरे ख्याल से। हाँ गाइस, यहाँ पे 3 डायमंड्स है, 3 डायमंड्स हमारे लिए यहाँ पे तो बहुत कम है, क्योंकि हमें बहुत सारे डायमंड्स की ज़रूरत है, कम से कम 30 से 35 डायमंड की हमें ज़रूरत है। सो ऑल राइट गाइस, हमें माने करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। आप बोल रहे हो क्यों, क्योंकि हमारे पास 35 डायमंड्स हो चुके हैं यार। आप लोग को लग रहा होगा कि इतनी जल्दी मिल गया, पर गाइस मैंने वीडियो को पूरा स्किप करके दिखाया जिससे आप बोर ना हो। तो ऑल राइट गाइस, वहाँ पर 35 डायमंड्स हो चुके हैं, मतलब यार बहुत बड़ी बात है। तो ऑल राइट गाइस, अब हम ऊपर आ चुके हैं। ऊपर आते हैं सबसे हम करेंगे या जाके हम सो जाएंगे गाइस, क्योंकि हम बहुत दिन से सोए नहीं, हमने सिर्फ मजदूरी कर रहे थे। यहाँ पे आयरन गोलम पता नहीं किसके साथ लड़ रहा है। तो ऑल राइट गाइस, सबसे हम जाके यहाँ पे सो जाएंगे। सो ऑल राइट गाइस, गुड मॉर्निंग हो चुकी है, विलेजर बहुत ज़्यादा खुश है, अब उस खुशी के साथ बारिश भी जा चुकी है। बारिश की जाते ही चलो हम जाएंगे अपने ये हाउस के अंदर, इसमें अपनी इन्वेंटरी कर लेंगे खाली। तो ऑल राइट गाइस, हमारी इन्वेंटरी खाली हो चुकी है, हम फटाफट से यहाँ पे कुछ अपने आयरन को स्मेल्टर करने पे लगाएंगे गाइस। उसके लिए मुझे बहुत वुड तोड़नी पड़ेगी, हमारे पास आर्मर वगैरह बनाने के लिए भी मतलब टूल्स बनाने के लिए अपने आप वुड नहीं है, जिससे हमने फुल्ली टूल्स बना सके। तो मुझे चले यहाँ पे वुड काटने जाना पड़ेगा, तो मैं आपसे मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो ऑल राइट गाइस, वहाँ पर डायमंड का रॉ बन के रेडी हो चुका है, और डायमंड के टूल्स भी रेडी हो चुके हैं। आपको शॉवल नहीं दिख रही होगी, तो गाइस सब शॉवल मेरी इन्वेंटरी के अंदर रखी है, जिसके मैं बाहर निकाल देता हूँ, जिससे अच्छा थंबनेल बन सकता है। तो
तो ऑल राइट गाइस, जैसे आप सब लोग देख सकते हो कि मैंने डायट कोर्ट सीरीज के अंदर अपने फर्स्ट एपिसोड के अंदर वो पीई वर्जन के अंदर मैंने अपना फुली डायमंड कारोबार बना लिया है। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।